हे गाइस, दिस इज़ विद्या और आज का ये मेरा पहला व्लॉग है। वेलकम टू माय चैनल। ये आज का मेरा पहला व्लॉग है और आई होप आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसमें मैं शेयर कर रही हूँ हमारी जर्नी फ्रॉम फरीदाबाद टू नैनीताल। सो प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू। इट्स मॉर्निंग 4:30। सो गाइस, ये हमारा रूम है। इट्स 12:00 नाउ और हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। ये हमारा रूम है। आइए मैं आपको अपने रूम का टूर करवाती हूँ। ये हमारा पूरा रूम है जहाँ पे एक मिरर काफ़ी बड़ा था, दो सोफ़ा चेयर्स प्लस बेड काफ़ी अच्छा था हमारा, और यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी है और टीवी था, प्लस ये हमारे विंडो का व्यू है। बहुत ही अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली सारा ग्रीन अच्छा, एक फ्रेश एकदम नेचर के बिल्कुल क्लोज ऐसा फील आता है। ये हमारा लंच है जो कि हमने रूम में ही मंगवा के किया था। इतना टायर्ड फील कर रहे थे कि बस बाहर निकलने का मन ही नहीं किया, और आफ्टर लंच फिर सुहाना ने पार्क में थोड़ा सा इंजॉय किया जो कि होटल का ही पार्क था। ये सारा व्यू होटल का ही है, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, हमें बहुत पसंद आई है। देखिए, आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ मैं यहाँ से। ये सारा इनका गार्डन एरिया है और व्यू सारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। काफ़ी ही ठंडा था, देख सकते हैं हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और सुहाना के साथ हम लोग थे तो इस वजह से उसके लिए एकदम से सडनली क्लाइमेट चेंज था, तो हम ज़्यादा देर नहीं घूम पाए और हम वापस आ गए।
एक्चुअली आज हमारा यहाँ पे डे टू है और हम लोग आज हमने सोचा था मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, बट मे बी क्लाइमेट कुछ ऐसा है, सुबह सुबह बारिश भी हो गई तो नींद खुली नहीं पाई। और जब मैं उठी इट वॉज़ 7:30 और मैं लेट हो गई। मैंने सोचा था मैं 6 o'clock तक उठ जाऊँगी, बट वो हो नहीं पाया पॉसिबल। अब मैंने पहले तो सुहाना को रेडी करवाया है और अब हम लोग रेडी होने वाले हैं और उसके बाद हम लोग फिर कहीं जाएंगे घूमने के लिए आज, मे बी जू तक जाएं। ये मैं आपको सुहाना का व्यू दिखाती हूँ। सुहाना अपने पापा के साथ बाहर इंजॉय कर रही है गार्डन में। मे बी ये रहा, वो अपने पापा के साथ वॉक कर रही है बाहर। तो बस अब मैं लेट हो रही हूँ और मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए। ये हम सारे अब रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट रेडी। ये रही मेरी सुहू। ये हमारा डे टू है होटल में और हम अब मॉर्निंग में रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आए हैं। बुफे ब्रेकफास्ट था हमारा यहाँ होटल में। यहाँ पे जब हम ब्रेकफास्ट के लिए आए तो यहाँ पे एक मैजिशियन थे जो मैजिक शो शेयर कर रहे हैं हमारी टेबल पे आके, और इस मैजिक शो को हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ। आप भी थोड़ा सा देखिए इसे, मेरे से जितना हो सका है मैंने इस वीडियो को कैप्चर किया है, तो हमने इसको काफ़ी इंजॉय किया। फिर से चार में से एक निकालता हूँ, चार में से एक। ओके तो कितना बचा? थ्री टू। ओके बट एक बार और शुरू करता हूँ, ठीक है? दो और एक चार, ठीक है? बीच वाले को निकाल लेता हूँ, देखो बीच वाले को। ओके तो कितना बचा? टू। एग्जैक्टली टू, ठीक है? अच्छा, ये वाला, ठीक है सॉरी। इसको इधर ले लेता हूँ, इस तरह। अब है ही नहीं, जीरो। या अगर इनविजिबल चेक कीजिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम होटल से निकले और हमने ज़ू विज़िट किया, नैनीताल का ज़ू। और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे यहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह हमने देखे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ज़ू घूमने के बाद फिर आप नैनीताल आए हैं और आपने नैनी लेक पे बोटिंग नहीं की, तो ऐसा तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल आपको आना चाहिए, जब भी आप नैनीताल आए तो यहाँ पे नैनी लेक में बोटिंग ज़रूर कीजिए, काफ़ी ही अच्छा फील आता है यहाँ पे। नैनी लेक से आने के बाद हम होटल आए और यहाँ पे हमने लंच किया, और आफ्टर लंच यहाँ इस होटल में एक प्ले रूम था जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी यहाँ पे गेम्स वगैरह की, तो वो सारी हमने खेली और हमने इस एक्टिविटी को काफ़ी इंजॉय किया। वेरी हैप्पी है ना? देखो यहाँ, देखो Dancing, 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 matching, 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 matching. सो गाइस फाइनली आज यहाँ पे हमारा डे थ्री था और हमारी दोबारा से पैकिंग हो गई फॉर नैनीताल टू फरीदाबाद। पूरी पैकिंग करने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ी देर रूम में ही चिल किया और इसको इंजॉय किया हमने, और थोड़ी देर फिर हम उसके बाद बाहर जो इनका होटल का जो गार्डन था वहाँ पे भी इंजॉय किया, और फिर उसके बाद हम फरीदाबाद के लिए वहाँ से चले। आज है 23rd of September और गाइस आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बस कुछ ही देर में निकल जाएंगे। दो दिन का यहाँ पे हमारा टूर था, आज थर्ड डे है और काफ़ी अच्छा रहा। बस अब वापसी अपने घर की तरफ, और
अभी बज रहे हैं मॉर्निंग 11 o'clock और मे बी हम 8 o'clock तक घर पहुंच जाएंगे। सुहाना चू देखो मम्मा हाय कर दो। Hey guys. सो गाइज आज का मेरा ये व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म होता है और आई होप आप लोगों को सबको ये पसंद आया होगा और अगर आपने इसको पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।